तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पॉइंट ऑफ स्टडी में। तो गाइस, मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ उर्दू का 10वां का जो है मैट्रिक एग्जाम होने वाला 2022 का, उसका ये पार्ट 3। तो गाइस, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मुझे सर्दी वगैरह बुखार हो गया, लेकिन आप लोगों के लिए तब भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना कर लेकर आ रहा हूँ। सो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन के थर्ड नंबर पार्ट के और तीसरे आपके चैप्टर के, जो आपका जो है रक्षा दोम आपका चैप्टर किताब, उसका थर्ड नंबर थर्ड चैप्टर है, इसका नाम है फरार चैप्टर का नाम, और उसके जो तसनीफ निगार यानी कि उसको लिखने वाले मुसनफ निगार जो है सैयद मोहम्मद मोहसिन है। ठीक है, तो फरार के मुसनफ निगार या तसनीफ निगार कौन गए? सैयद मोहम्मद मोहसिन। ठीक है, और या इस तरीके से उल्टा से पूछेगा, सैयद मोहम्मद मोहसिन की कौन सी निसाब आपके में शामिल है, तो फरार हो जाएगा। ठीक, इनकी किताब। तो गाइस, ये आपका पार्ट 3 है, और आपने पार्ट 1 से लेकर 1 और 2 नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के टॉपर सीरीज चल रहा है हमारे इस चैनल पे। ठीक है, तो टॉपर सीरीज चल रहा है हमारे चैनल पे, आप जो हक जो कि हर एक सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। ठीक है, नॉन हिंदी का भी मिल जाएगा, जाके आप लोग नॉन हिंदी का भी देख लीजिएगा, है कि नहीं, चैप्टर बाय चैप्टर वहाँ डाला हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहला नंबर क्वेश्चन को आज। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, देखिए डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? तो डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई गाइस, बताएं आप लोग। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग बताएं, ऑप्शन कह रहा है ए लखनऊ, बी पटना, सी दिल्ली, डी मुजफ्फरपुर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग बताएं फट कमेंट बॉक्स में बताएगा। तो इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन बी पटना। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप बात ये है, एक मैं आपको बता दूं, चलिए पहले 2 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या देख लीजिए, पहले दूसरे नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर मैं जो बताता हूँ ना उसको आप कमेंट में लिखा कर, कमेंट में लिखने से क्या होता है आपका जहन जो है ना बहुत ज्यादा मजबूत होता है, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होती है कुछ भी याद करने में ज्यादा, अगर आप लिख देते हैं ना तो वो आपके माइंड में बैठ ही जाता है। ठीक है, तो चलिए दूसरे नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या रहा दूसरा नंबर क्वेश्चन, फरार किसका अफसाना है? देखिए मैंने बताया ना फरार किसका अफसाना है, इस तरीके से पूछा ना गैस, तो ये सब चीजें रहता है, फरार की तस्नीफ निगार कौन है या फरार किसका अफसाना है, इस तरीके से पूछता है जो भी रहेगा आपका मजमुआ, है नहीं। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, क्या सुहेल अजीम आबादी, बी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, सी शकील अख्तर, डी कमर जहां। तो क्या हुआ डॉक्टर साहब, लोग फटाफट बताओ इसका। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं इस चैप्टर के। थर्ड नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपका कह रहा है फरार का किस नसरी सिर्फ से ताल्लुक है, फरार का किस नसरी सिर्फ से ताल्लुक है, ए अफसाना, बी नावल, सी दास्तान, डी ड्रामा। तो क्या होगा राइट आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं इसका राइट आंसर गाइस क्या होगा। इसका जो है राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए अफसाना, अफसाना नसरी से इनका क्या है ताल्लुक है। ठीक है, फरार का है कि नहीं, जिसको लिखा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ग्यारह चार, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मौजू पर महारत रखते थे, तो क्या होगा इसका आंसर, ऑप्शन देख लीजिए, ए तारीख, बी अदब, सी नफ्सियात, डी सहाफत। तो क्या चीज पर रखते थे, 4 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, फटाफट इसका गाइस आप लोग बताएं। तो गाइस इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नफ्सियात। ठीक है, काफी ज्यादा VBI ये सब चीजें, अगर आप पढ़ लेते हैं तो इंशाल्लाह पूरा का पूरा आप लोग जवाब दे सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 5 कह रहा है आपका डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। तो पहला ऑप्शन देख लीजिए, कह रहा है मगध यूनिवर्सिटी, पटना यूनिवर्सिटी, सी मंडल यूनिवर्सिटी, डी वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, आप लोग कमेंट में बताएं 5 का। तो 5 का यहाँ पे आपको राइट आंसर होने वाला है पटना यूनिवर्सिटी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है, यही दोस्तों। चलिए 5 कंप्लीट, 6 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो गाइज मेरे कुछ तबीयत ठीक नहीं, इसलिए मेरी आवाज़ में आपको दिक्कत होती होगी। ठीक है, तो आप लोग दुआ करेंगे जल्दी मेरी तबीयत ठीक हो जाए, और आपके लिए उर्दू डेली मैं लेकर आता रहूँ। तो चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन किस मजमून के प्रोफेसर थे, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन जो है किस मजमून के प्रोफेसर थे, अंग्रेजी कह रहा है, ऑप्शन देखिए, ए कह रहा है अंग्रेजी, बी उर्दू, सी नफ्सियात, डी साइंस। तो क्या चीज के प्रोफेसर थे, इसका क्या हुआ राइट आंसर, आप लोग कमेंट में बताएं इसका राइट आंसर, क्या क्या चीज के प्रोफेसर थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नफ्सियात के। ठीक है, 6 का राइट आंसर क्या है नफ्सियात, यहाँ कम्प्लीट हो गया। चलिए 6 नंबर सवाल की ओर चलते हैं आपके, छठा यानी कि हो गया दोस्तों, है कि नहीं, डॉक्टर मोहम्मद किस उम्र से, छठा नंबर आपका कह रहा है, छठा हो गया। 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, माफ कीजिए दोस्तों। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देख रहे क्या कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका
डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने पटना के किस इदारे से मैट्रिक पास किया, यानी कि डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने पटना किस इदारे से मैट्रिक पास किया। तो कोई स्कूल होगा या कॉलेज तो होगा ही है कि कोई मदरसा होगा, तो वहां से उन्होंने मैट्रिक पास किया। तो कहाँ से किया, दशहरा से क्या होगा, फटाफट बताएं। ऑप्शन देख लिए, एक मोहम्मदन स्कूल, मोहन राय समेजरी, सी मखरी मखरीजी समेजी, डी खादिम खादिमुल इस्लाम। तो क्या होगा इसका राजन सर, आप लोग फटाफट कमेंट में बताएं साथ का, क्या होगा राजन सर, क्या होगा इसका, क्या होगा। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी मोहिन राय समेजरी, ठीक है, इसका राइट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर आठ की ओर। क्वेश्चन नंबर आठ कह रहा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोबा नफ्सियात के सदर कब हुए। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन शोबा नफ्सियात के सदर कब हुए, है कि नहीं। मतलब ये ओहदा होता है काफी बड़ा, है कि नहीं। जैसे प्रिंसिपल का जैसे होता है किसी का, आप हिंदी में देखते हो कि कोई मास्टर आता है, मास्टर से अब वो बन जाता है हेड मास्टर, तो इस तरीके से वही, इस तरीके से बड़ा शोबा होता है कि नहीं। तो वही पूछ रहा है क्या उसका राइट आंसर। पहले ऑप्शन देख लीजिए, ए 1952 ईस्वी, बी 1953 ईस्वी, सी 1984 ईस्वी, डी 1955 ईस्वी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताए, है कि नहीं। आठ का क्या होगा राइट आंसर, तो भाई इसका जो है राइट आंसर यहाँ पे आपको होने वाला है ऑप्शन नंबर बी 53, 1953 ईस्वी, ठीक है। तो चलिए 20 तक कम्प्लीट। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 आ गया, कह रहा है आपका डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन प्रोफेसर की मुलाजमत से कब सबक दोष हुए, यानी कि प्रोफेसर के मुलाजमत से कब सबक दोष हुए, यानी कि रिटायर हो गए, कि नहीं। सबक दोष मतलब होता है रिटायर हो जाना, है कि नहीं। चलिए ए देख लीजिए, कह रहा है 1974 ईस्वी, बी 1973 ईस्वी, सी 1975 ईस्वी, डी 1976 ईस्वी। तो क्या हो जाएगा नौ का आपका राइट आंसर, क्या होगा गाइस, आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग फटाफट बताएगा इसका आंसर। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1974 ईस्वी, है कि नहीं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे आप आ गया, कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसाने मजमुआ का क्या नाम है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के अफसाने मजमुआ का क्या नाम है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग फटाफट कमेंट में बताएं। ए कह रहा है चार चेहरे, बी कह रहा है अनोखी मुस्कुराहट, सी कह रहा है अजनबी चेहरे, डी कह रहा है चारागर। डॉक्टर मोहसिन के अफसाने मजमुआ का क्या नाम है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, फटाफट बताएगा इसका 10 का राइट आंसर। तो गाइज इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अनोखी मुस्कुराहट। गाइज एक बात बता दो, अफसाना मजमू अगर कभी भी लिखा जाता है, अफसाना लिखा जाता है, नाम लिया जाता है अफसाना का, तो इसमें अनोखी मुस्कुराहट काफी ज्यादा फेमस है, इसके बगैर अफसाना निगार एकदम अधूरी रहती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 आ गया। क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के मजामीन का मजमुआ नफ्सियाती जवाए किस तरह का मजमुआ है, तो किस तरह का मजमुआ है इसका राइट आंसर, क्या होगा आप लोग फटाफट बताएं। चलिए ऑप्शन देख लेते, ए रूमानी, ऑप्शन देख लीजिए, ए रूमानी मजामीन, बी तारीखी मजामीन, सी नफ्सियाती मजामीन, डी मजाहिया मजामीन, है कि नहीं। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, आप लोग फटाफट कमेंट में बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। ग्यारह का राइट आंसर, तो गाइस इसका जो आपको राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नफ्सियाती मजामीन, इसका क्या है राइट आंसर है, ठीक है ग्यारह का। तो चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बताने से पहले मैं आपको दोस्तों बता दूं, हमारे चैनल पे आप पहली बार है तो हमारा ये थर्ड पार्ट चल रहा है। इससे पहले मैंने दो पार्ट बना दिया उर्दू का, चैप्टर बाय चैप्टर को लेकर आया हूँ, उर्दू की पूरी की पूरी, हर एक चैप्टर की ऑब्जेक्टिव भी आई, अगर आप नहीं देखे तो जाके देख लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। और नॉन हिंदी का भी चैप्टर बाय चैप्टर मैंने करा दिया है 9 चैप्टर तक, उसका भी जाके आप देख लीजिएगा, जिसका आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, जाके आप प्ले लिस्ट में जाइएगा मेरे चैनल के, वहाँ मिल जाएगा वो टॉपर सीरीज का नॉन हिंदी का, वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं पूरा पार्ट, ठीक है। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन को करते हैं हम, ठीक। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जख्म के फूल किस शायर का शेरी मजमूआ है, किस शायर का शेरी मजमूआ है गैस। ए कह रहा है कलीम आजीज, बी कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, सी कह रहा है सार अजीम आबादी, डी कह रहा है राशिक अजीम आबादी। तो क्या हो जाएगा 12 का आपको राइट आंसर, क्या है गैस 12 का राइट आंसर, फटाफट आप लोग आंसर बताएं, आप लोग तो बता ही दीजिएगा कौन सा चैप्टर चल रहा है, किसका चल रहा है, मालूम है ना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे आ गया, कह रहा है डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने नफ्सियात में एमए कब किया। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन ने नफ्सियात में एमए कब किया, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए बताइए आप लोग। ऑप्शन हम दिखाते हैं, चलिए ऑप्शन दिखाते हैं। कह रहा है
1934 ईस्वी, 1935 ईस्वी, सी 1936 ईस्वी, डी कह 1937 ईस्वी। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 13 का, क्या होगा राइट आंसर आप लोग फटाफट बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा 1934 ईस्वी, ए ऑप्शन नंबर ए। क्या इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1934 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, इसका राइट आंसर यही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे कह रहा है, डॉक्टर मोहम्मद मसीह ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया। डॉक्टर मोहम्मद मसीह ने किस यूनिवर्सिटी से एमए किया। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताए दोस्तों क्या होगा। चलिए ऑप्शन देख कह रहा है, ए मगध यूनिवर्सिटी, बी मिथिला यूनिवर्सिटी, सी पटना यूनिवर्सिटी, डी बी अम्बेडकर यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। गाइस इससे पहले भी इन्होंने बताया था ना डॉक्टर मोहम्मद मसीह ने किस यूनिवर्सिटी एमए किया था। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर फटाफट बताए, दोबारा क्वेश्चन में बता रहा हूँ आपको, है कि नहीं। शायद 14 नंबर क्वेश्चन है कि नहीं गाइस दोस्तों, 14 नंबर क्वेश्चन का क्या होगा राइट आंसर आप लोग फटाफट बताएं इसका। तो पटना यूनिवर्सिटी होगा, जी हाँ गाइस ये रिपीट क्वेश्चन है कि नहीं। तो पटना यूनिवर्सिटी का क्या है राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे कह रहा है, अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है। अफसाना फरार का मरकजी किरदार कौन है, यानी कि अफसाना जो चैप्टर हुआ था उसमें मरकजी किरदार कौन थे, है कि नहीं, यानी उस चैप्टर में। तो कौन है गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन एक देख लीजिए पहले, हामिद, बी महमूद, जी हमीद, डी हासिम। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों क्या होगा राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर होगा महमूद, ऑप्शन नंबर क्या है बी इसका राइट आंसर। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, इनमें से किस अफसाना निगारी का ताल्लुक दबस्तान अजीम आबाद से है। तो किसका गाइस, तो चलिए ऑप्शन देख लेते, ए प्रेमचंद कह रहा ऑप्शन नंबर ए, और बी कह रहा निगार अजीम, सी कह रहा सैयद मोहम्मद मसीन, डी कह रहा जिलानी बानो। तो क्या होगा इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों। 16 का यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सैयद मोहम्मद मोहसिन। ठीक है, यहाँ तक कि अगर कोई डाउट किसी बच्चे को या किसी को तकलीफ तो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, इसकी मैं कोई भी परेशानी होगी इसको मैं दूर करूंगा। ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, और 17 नंबर क्वेश्चन बतलाने से पहले मैं आपको बता दूँ, हमारे चैनल पर अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, इसी तरीके से आपको हर एक चैप्टर की आपको वीवीआई ऑब्जेक्टिव मिलने वाली है 10th के एग्जाम के लिए। ठीक है, और अपने दोस्त को भी बोल दे। ठीक है चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कह रहा है, सैयद मोहम्मद मोहसिन का अफसाना फरार किस नौइयत का है। ऑप्शन देख लीजिए, ए कह रहा है रुमानी, बी तारीखी, सी नफ्सियाती, डी कह रहा है जासूसी। तो किस नौइयत का है, तो क्या होगा 17 का राइट आंसर आप लोग फटाफट बताएं, बताएगा आज आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी कि नफ्सियाती। ठीक है, इसका राइट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, 18 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन के वालिद का नाम क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फटाफट बताएं आप लोग। ऑप्शन ए कह रहा है सैयद मोहम्मद सबीर, बी कह रहा है सैयद मोहम्मद रशीद, सी कह रहा है सैयद मोहम्मद बशीर, डी कह रहा है सैयद मोहम्मद हफीज। तो क्या हो जाएगा 18 का राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएं दोस्तों क्या है, क्या होगा राइट आंसर इसका। तो इसका राइट आंसर होगा सैयद मोहम्मद रशीद, यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या है इसका राइट आंसर है। ठीक है, 18 तक कंप्लीट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल है। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके निसाब में शामिल, यानी कि निसाब मतलब होता है यानी कि आपकी किताब में कौन शामिल, यानी कौन सा चैप्टर शामिल है। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है दोस्तों, थर्ड नंबर की फरार का, जिसके तसनीफ अगर मुसनफ निगार या अफसान निगार जो है कौन है मालूम है आपको, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन। ठीक है, तो 19 का चलिए क्वेश्चन देख लेते, ऑप्शन देख लीजिए, ए फरार, बी खट्टू इशाक, सी आशियाना, डी भाभी जाना, है कि नहीं। इसमें से कौन सा शामिल बताएं आप लोग फटाफट, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन का कौन सा अफसाना आपके सामने शामिल है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर आप लोग बताएं फटाफट बताएं 19 का। तो वैसे 19 का जो यहाँ पे आपको राइट आंसर होने वाला ऑप्शन नंबर ए फरार है कि नहीं, मैंने पहले बता दिया आप लोगों को। आई होप अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप लोग फटाफट बता दिए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। नहीं दोस्तों, आखिरी क्वेश्चन है आपका, आखिरी क्वेश्चन है इस चैप्टर का। ठीक है दोस्तों, कह रहा है 20 नंबर, डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई। डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन की पैदाइश कब हुई, तो 20 का चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहा है ऑप्शन नंबर ए 1908, ऑप्शन नंबर बी कह रहा है 1909, ऑप्शन नंबर सी कह रहा है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा गैस तो नहीं दिख रहा है, तो यहाँ पे ये देख लीजिए नीचे में है आपका सी इसका राइट आंसर, यानी कि 1910 क्या है राइट आंसर, देख लीजिए यहाँ पे। तो टिक नहीं मारा पड़ा, दिक्कत हो रही है मुझे, लेकिन 1910 ईस्वी से क्या है राइट आंसर, यहाँ पे देख सकते हैं एक नीचे सी दिख रहा होगा, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो रहा है ये वाला जो देख लीजिए, ये मैं बता देता हूँ आपको, ये जो नीचे है ना ये इसका क्या है
राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोग यहाँ तक क्लियर हो गए 1910 ईस्वी। ठीक है दोस्तों, समझ गए। चलिए गाइस, आई होप आप लोग समझ गए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और हमारे चैनल पे बने रहिएगा, प्यार सपोर्ट बना रहिएगा, अपने दोस्तों को बताते दीजिएगा, क्योंकि हमारे सब्जेक्ट पे हर एक चैनल का आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में, जब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया।